फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं गोभी की तरी वाली सब्जी। इसके लिए फूलगोभी, आलू, मटर, प्याज, अदरक, लहसुन और तेजपत्ता, धनिया और टमाटर का प्यूरी, मैंने ये सारे सामग्री ले लिए। अब कढ़ाई गरम करके 2 चम्मच ऑयल हम इसमें डालेंगे। 2 चम्मच ऑयल जब थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो हमें सबसे पहले आलू को डालना है, क्योंकि आलू हार्ड होता है। तो आलू को सबसे पहले हम थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर आलू भूनने के बाद जब आलू मेरी 50% भुनी हुई हो जाएगी, तब हम इसमें आलू को साइड करके इसी में हम गोभी को डाल देंगे। और इसमें ऑयल हमने बहुत कम डाला है, सिर्फ 2 चम्मच, इसीलिए इसको हम हल्का हल्का चला के इसको ढक ढक के पकाएंगे, जिससे ये भाप से गल जाए थोड़ी सी। ऐसे 50% ये पक गई है, आप देख सकते हो। मैं इसको निकाल ली, पर कढ़ाई में थोड़ी सी भी ऑयल नहीं बची है, क्योंकि हम बहुत कम 2 ही चम्मच ऑयल दिए थे। इसमें हम थोड़ी सी ऑयल डालें, फिर जीरा, तेज पत्ता, अदरक, लहसुन जो हमने कट करके रखे थे वो डाल के हम जब 2-3 मिनट इसको भुने, ताकि लहसुन और अदरक की कच्चापन थोड़ी सी चले जाए, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को भी डाल के हम 2-3 मिनट भुने। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से भुनने के बाद हम टमाटर का प्यूरी डाल दिए। टमाटर का प्यूरी डालते ही हमने उसमें हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा आधा चम्मच और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए। अब हम सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट तक हम इसको भूनने थोड़ी सी ढक दिए, ताकि ये अच्छी तरह से सारे मसाले आपस में रम जाए अच्छी तरह से। अब हम ढक्कन उठा के इसमें हम इसको चलाएंगे थोड़ी देर, फिर उसमें हम मटर मिला देंगे। मटर को भी हम 1-2 मिनट चला के अच्छी तरह से मसाले के साथ, सारे मसाले के साथ हम अच्छी तरह से इसको चला के 5 मिनट तक ऐसे ही चला के फिर इसको हम ढक देंगे। ढक देने से होता है कि फ्रेंड्स सब्जियां गल जाती है अच्छी तरह से और अच्छी बनती है सब्जी, टेस्टी बनती है, इसलिए हम ढक ढक के बनाते हैं और आँच को भी धीमे कर देते हैं एकदम। अब गोभी और आलू जो हम भून के रखे हैं उसको भी हम इसमें मिला दिए। गोभी को हमने ज़्यादा नहीं भुना था, बहुत कम भुना था और बहुत कम ऑयल में भुना था, इसलिए ये आपको वाइट वाइट लग रही है, पर ये 50% भुना हुआ हो गया था। अब हम इसमें पानी डाल दिए तरी के लिए, क्योंकि हम ये फूल गोभी की सब्जी बनाएंगे तरी वाली, इसलिए हमने इसमें अच्छी प्रकार इसमें 2 गिलास के तरह हम इसमें तरी डाल दिया। अब इसको हम आँच को फूल करके थोड़ी देर 5 मिनट प्लेट से ढक दिए। अब ढक्कन उठा के इसमें सॉल्ट डाल दिए हम, क्योंकि हम सॉल्ट पहले डाले नहीं थे। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिला देंगे और मिला के ये सब्जी मेरी बन गई है। 5 मिनट हम इसको फिर ढक दिए, अच्छी तरह से नमक उमक मिल गया, फिर उसमें धनिया पत्ता हम डाल दिए। ये सब्जी मेरी बन के तैयार है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी एक बार इस प्रकार बनाएं। मेरी रेसिपी यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट करें। आप देख सकते हो मेरी सब्जी बनके तैयार है।